अयोध्या में आज से शुरू हुआ 7 दिवसीय रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आगाज, 7 दिन तक चलेंगे विशेष अनुष्ठान। प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजा के साथ समारोह की शुरुआत, ब्रह्म मुहूर्त से ही सारे कार्यक्रमों की शुरुआत। 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति को मंदिर में कराया जाएगा प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी की जाएगी संस्कारों की औपचारिक प्रक्रियाएं। 21 जनवरी तक चलेगी पूजन विधि की प्रक्रिया, जल, औषधि, गंध, घी, धान्य, शक्कर और पुष्प आदि का अनुष्ठानों में प्रयोग होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त, 121 आचार्य करेंगे अनुष्ठान का संचालन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी ने शेयर की रामधुन, कैलाश खेर ने गाया है भजन। जय श्री राम है गाने के बोल, अनु मलिक ने दिया है संगीत, गाने में है कार सेवा और पुनर्निर्माण से लेकर राम मंदिर बनने तक की पूरी कहानी। प्रधानमंत्री मोदी ने राम भजन साझा किया, सिंगर शिव श्री स्कंद प्रसाद का भजन शेयर किया। भजन शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, राम भक्ति को खूबसूरती से उजागर करता है ये भजन, ऐसे प्रयास हमारी विरासत संरक्षण में बहुत मददगार। कुपवाड़ा की बतूल जहरा ने पहाड़ी भाषा में राम भजन गाया, कॉलेज की छात्रा है जहरा, भजन के जरिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर को जोड़ने की कोशिश। अयोध्या में साफ सफाई में जुटे जूना अखाड़ा के साधु संत, लता मंगेशकर चौक के पास की सफाई। देश के मंदिरों में चल रहा है सफाई अभियान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में सफाई की पूजा अर्चना की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे, मंदिर की साफ सफाई में हिस्सा लिया। मुंबई में मुंबा देवी मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, मंदिर परिसर में चलाए जा रहे साफ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव के नेतृत्व वाले शिवसेना पर निशाना साधा, कहा हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए, राम जन्मभूमि में कोई योगदान नहीं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बजाए जाएंगे भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र पखावज, मृदंग समेत देशभर के शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे। अयोध्या में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए बनेंगे 6 प्रवेश द्वार, लखनऊ अयोध्या मार्ग पर बनेगा विशाल श्रीराम द्वार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दोना पत्तल बनाने पर जोर, प्राकृतिक तरीके से बनाए जा रहे हैं दोना पत्तल, नहीं हो रहा प्रदूषण। दिल्ली के हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन, भजन गाकर प्राण प्रतिष्ठा के दिन होने वाले कार्यक्रम के लिए भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं। ठंड पे भारी आस्था, अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाते दिखे श्रद्धालु। मैसूरू में अरुण योगीराज की मूर्ति राम मंदिर के लिए चुनी गई, योगीराज ने ही बनाई है केदारनाथ के आदि शंकराचार्य, और दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने जानकारी दी, कहा रामलला की मौजूदा मूर्ति की भी मंदिर में जारी रहेगी पूजा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए खास व्यवस्था, 20 और 21 जनवरी को आम लोगों के लिए दर्शन बंद, 23 जनवरी से आम लोगों के लिए दर्शन शुरू होंगे, मंदिर परिसर में सख्त सुरक्षा के इंतजाम। ग्रेटर नोएडा के एक जिम में भी दिखा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों का उत्साह, रामधुन पर जमकर थिरके जिम के लोग। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते रांची के कुम्हारों के चेहरे पर मुस्कान आई, दियों के मिल रहे जबरदस्त ऑर्डर्स। उत्तर प्रदेश सरकार में संस्कृति विभाग की ओर से चित्रकूट से अयोध्या के लिए निकाली गई श्री राम चरण पादुका यात्रा, रथ पे हुई पुष्प वर्षा।
राजस्थान के राम भक्त ने श्रीराम को समर्पित की चांदी की थाल, सूर्यवंश के चिन्ह बढ़ा रहे हैं थाल की शोभा। हरिद्वार से अयोध्या के लिए संतों ने शुरू की कलश यात्रा, सीएम धामी ने पूजा के बाद रवाना किया, संतों के साथ रामधुन भी गाई। सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने रेत से बनाया श्री राम मंदिर, सबसे ऊंची रेत की कलाकृति बनाना चाहते हैं रुपेश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान, सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ कराने की घोषणा। अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी, पत्नी के साथ रोहिणी के मंदिर में करेंगे सुंदरकांड का पाठ। आम आदमी पार्टी के फैसले पर मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया, कहा इस आयोजन में घोटाला ना हो। आम आदमी पार्टी के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, कहा संघ के एजेंडे का दे रहे हैं साथ, सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन, कोहिमा पहुंचा काफिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश केरल का 2 दिवसीय दौरा, 4,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी का दक्षिण भारत का ये दूसरा दौरा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे से की थी साल की शुरुआत। आज दोपहर 2:30 बजे आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस और नारकोटिक्स का उद्घाटन करेंगे। देर रात केरल के कोच्चि पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, स्टेट हाउस मरीन ड्राइव में करेंगे रात्रि विश्राम। कल गुरुव्यूर मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कोच्चि में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने हरीश चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी, 100 से अधिक लोकसभा सीटों को जिताने का टास्क दिया। केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पहुंचे खूंटी, आदिवासी न्याय महाअभियान कार्यक्रम में की शिरकत। उधम सिंह नगर के बाजपुर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन, कार्यक्रम में राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने करौली जिले का दौरा किया, पूर्व मंत्री रमेश मीणा के दामाद को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजने की बात कही। राजस्थान के अलवर में विधायक महंत बालकनाथ योगी ने राहुल गांधी पे कसा तंज, कहा यात्रा के बहाने लोगों से चंदा मांगते हैं राहुल। बीजेपी नेता संजय राउत ने फिर दोहराया, अयोध्या में जो ढांचा हमने ढाया, जहां गर्भगृह था वहीं बनना चाहिए था मंदिर, लेकिन मंदिर का निर्माण वहां नहीं हो रहा। मेदिनीपुर से राम मंदिर उद्घाटन पे गरमाई सियासत, बीजेपी ने टीएमसी पे निशाना साधते हुए इसे हिंदू वोट को लुभाने वाला बताया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 8वां समन, 20 जनवरी को हेमंत सोरेन दर्ज कराएंगे बयान, ईडी को दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पे 3.6 मापी गई तीव्रता। 26 जनवरी को लेकर बीएसएफ ने भारत पाक बॉर्डर पे 15 दिन का विशेष अलर्ट जारी किया। पोखरण के रेगिस्तान में भारतीय सेना का शौर्य दिखा, सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, दूर दूर तक सुनाई दी टैंक के धमाकों की आवाज। सेना ने इस अभ्यास को फोर्जिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल का नाम दिया, कहा हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं हम। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच जवानों का जोश आए, कर्तव्य पथ पे जवान गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल करते नजर आए। दिल्ली में बात भारत की कॉन्क्लेव का आयोजन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने देश को सौगात दी, नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, लोगों से मिले, समस्याएं सुनी और निपटारे का भरोसा दिया। दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में सर्द कहर, कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, हवाई उड़ानों और यातायात पर असर।
ठंड से बचाव के लिए अयोध्या में किए गए खास इंतजाम, कई जगहों पर लगाए गए इंफ्रारेड आउटडोर हीटर। श्रीनगर में नौजवान सिर्फ सूर्यन सेंथिल रमन ने पेश की मिसाल, साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में सर्द कहर, कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर, कोहरे की वजह से धीमी हुई यातायात की रफ्तार। दिल्ली और यूपी के लिए शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग का अनुमान कल भी ऐसे ही रहेंगे हालात। पंजाब और हरियाणा में बेहद घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। देश के 15 एयरपोर्ट पे कोहरे का असर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 16 से ज्यादा उड़ानें रद्द, 30 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट। हरिद्वार में कोहरे और ठंड का अटैक, कोहरे की वजह से धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। अयोध्या में 8 डिग्री तक पहुंचा तापमान, कोहरे ने बढ़ाई आम जनजीवन में मुसीबत, सड़क मार्ग से लेकर रेलवे यातायात पर पड़ रहा है असर। बठिंडा में कड़ाके की ठंड और कोहरे का भयंकर प्रकोप, विजिबिलिटी लगभग जीरो के करीब, आवागमन बुरी तरह प्रभावित। अलीगढ़ में कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। वाराणसी में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, दिन में भी एयरलाइट जलाकर लोगों को मजबूर किया। बरेली पुलिस ने 6 राज्यों में चोरी करने वाले गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया, वाहन को काटकर बीमा कंपनी से वसूलते थे पैसा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया, युवती को कई दिनों से कर रहा था परेशान। झारखंड के गढ़वा जिले में पुलिस का अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी अभियान, 30 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किया। पटना पुलिस ने ली सराहनीय शपथ, गुमशुदगी मामलों की जांच को प्राथमिकता देगी पुलिस। हरियाणा सरकार के रेडार पर प्रदेश के सभी थाने और चौकियां, 7,500 सीसीटीवी कैमरास का किया जाएगा इस्तेमाल।